कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार लंबे अंतराल के बाद अपने प्रदेश कार्यकारिणी कल देर रात घोषित कर दी। इसके तहत 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 19 महासचिव चुने गए हैं, 11 को सचिव बनाया गया है, 12 प्रवक्ता लगाए गए हैं, जबकि 44 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जो कुलदीप राठौर के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। कुलदीप राठौर ने बताया कि हिमाचल कांग्रेस के लिए उन्हें नई टीम मिल गई है, जिसमें क्षेत्रीय, जातीय व सभी तरह के संतुलन को ध्यान में रखा गया है। जो लोग पहले भी कार्यकारिणी में रह चुके हैं उनको भी तरजीह दी गई है, अनुभव जोश को भी ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना, जो हमारे पार्टी आला कमान है, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त करते हुए जो संतुति मैंने यहाँ से भेजी थी उन्होंने कार्यकारिणी की जो है मंजूरी दी, और मैंने कार्यकारिणी के गठन में इस बात को सुनिश्चित किया कि क्षेत्रीय जातीय संतुलन रहे, जो हमारे युवा हैं उनके साथ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जोश और होश दोनों का समन्वय रहे, इस बात का मैंने प्रयास किया। क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से पार्टी के सारे कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिए गए हैं, तो जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो मैं जल्दी ही अपनी जो कार्य समिति उसकी बैठक को बुलाऊंगा। नई कार्यकारिणी बनी है सर, किस तरह की? देखिए, मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी का गठन किया। जो पार्टी के हमारे मौजूदा विधायक हैं उनको मैंने लगभग सबको कार्यकारिणी में जगह दी है, और मैं उनको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वो लोग सब जीत के आए, और जहाँ हम हारे हैं मेरा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पे हम फिर से चुनाव जीतें, ताकि 2022 में कांग्रेस पार्टी फिर से जो है सत्ता में आए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे कार्यकारिणी बनी है, मैं 2-3 दिन में सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको मैं काम सौंपने वाला हूँ। सबका उत्तरदायित्व तो होगा, निश्चित होगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति जो है जिसको जो जिम्मेवारी दी है वो उस जिम्मेवारी को जो है बखूबी निभाने का प्रयास करें। सर, कुछ बागी भी रहे हैं चुनाव में, तो वो कार्रवाई की गई है, की जाएगी? देखिए, अभी तो कोई बागी नहीं है चुनाव में, तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं है बागी। कुछ हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।